हेलो गाइस, सूरज वर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। गौरीकुंड से हम लोग यहाँ से अब टैक्सी पकड़ के आपका एंड तक जाएंगे, फिर वहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे केदारनाथ की। पार्किंग मेरे पीछे बिल्कुल बहुत बढ़िया पार्किंग है यहाँ की। सारी गाड़ियाँ खूब बड़ी अच्छी खासी आ जाती है। ये बंदे यहाँ पे उड़ा रहे, सही मजे ले रहे। गड्डी खड़ी आएगी, सामान वामान सब मिलता रहेगा। केदारनाथ मजे चढ़ जाओगे या बिल्कुल? 4 साल का एक्सपीरियंस है, चौथी बार जा रहे हैं। हाँ, जब तो तुम्हें लाया है। एनर्जी लेके जा रहे हैं, एनर्जी भी ले रहे हैं बंदे, खा रहे हैं। खूब लंबी चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर लग रहा बारिश होगी। गाइस, हम लोग अब टैक्सी के लिए जा रहे हैं पार्किंग से अपनी बाइक खड़ी करके। यहाँ से टैक्सी पकड़ के हमें ये 50 हमें लगा से 15 किलोमीटर आगे छोड़ेगी, उसके बाद फिर हम ट्रैकिंग करेंगे। पर यहाँ से टैक्सी पे जाना पड़ता, अपनी गाड़ी कोई भी आगे नहीं जाएगी। नहीं बोले बाबा बन के घूम रहा है। रजिस्ट्रेशन हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा लेना भैया, चेक होंगे क्योंकि बिना चेक हुए ऊपर नहीं जा सकते। रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन चेक होना ली लाइन है, इस पर लाइन लग के रजिस्ट्रेशन चेक कराने हैं। आपको एक कार्ड से मिलेगा, वो कार्ड मैं आपको भी दिखाता हूँ। गाइज ये वो रजिस्ट्रेशन है, इस तरीके से आपको क्लिप मिलेगी, एक कार्ड मिलेगा, ये यहाँ पे चेक होगा, लाइन में लग के चेक कराना होगा, इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आज क्या डेट है? 21 तारीख है ना? आज 21 तारीख है। 21 तारीख भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ ये है, भीड़ नहीं है ना? भीड़ नहीं है, रजिस्ट्रेशन की लाइन बिल्कुल नहीं है, वरना तो आपको नया अपडेट देते हैं, कोई भीड़ नहीं है। हाँ, बढ़िया रहा था, वरना तो बहुत लाइन थी, बहुत लंबी लंबी। नॉर्मल है अब तो। ये दो यहाँ पे ये लाइन लगी रहती थी पहले, अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, कम से कम 21 जून तक है ना, इतनी नहीं है वरना। हाँ, अरे हाँ के भाई, यहाँ से आओ, इस लाइन में से आओ, है ना, टैक्सी के लिए थी। अब मुझे लग नहीं रहा इतनी होगी, तो खाली पड़ी है। हाँ, इधर जा रहे हैं जब हम, खाली है। हाँ, इधर कोई है भी नहीं घुसता हुआ, है ना, अभी लाइन तो खाली पड़ी है। सही टाइम पर है, पिछली बार तो भाई टैक्सी की लाइन यहाँ पे 50 रुपये किराया है, अंदर तक पहुँचाने के लिए टैक्सी चलती है। 300 टैक्सी आए हैं यहाँ पे टोटल, 24 घंटे सर्विस। और हमेशा हमारी गाड़ी जब पार्किंग में खड़ी हो जाती है, उसके बाद टैक्सी से ही आगे जाते हैं। यहाँ तक गाड़ी ने हमें छोड़ा है, जो 50 रुपये की गाड़ी करी थी, इससे आगे पैदल यात्रा है पूरी। यहाँ से आगे टैक्सी नहीं जाएगी, अब इस रूट पे हम पैदल चलेंगे। गाइस, हमने चढ़ना शुरू कर दिया है, अब हमारी सांसें फूलने लगी है। अभी भी बोली मेरी, बाबू चढ़ गया पूरा। रोहित भाई हमें लेके आए, लेकिन ये भी चढ़ रहे हैं सीरियसली। सीधे हमारा सुंडी चश्मा लागे खतरनाक सा, अभी ढोल गैंग वाले पूरे आ रहे हैं। ये आ रहे, चढ़ जाएंगे भाई, देखते हैं कहाँ तक चढ़ते हैं, बीच में कैंप लेके सो जाएंगे वरना। मोमोज ले ले, और मोमोज भी मिल ले भाई, जस्सी कुछ हो गया मोमोज देख के। रेस्ट क्या, अभी तो शुरू करा दे, अभी तो रोड नॉर्मल ही लग रहा है, आगे चल के देखते हैं चढ़ाई शुरू होती है या नहीं। आगे बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, अभी तो बड़ा सही सा लग रहा है कि हाँ चढ़ जाएंगे। तू ही बेटा पीछे आएगा, तू ही आएगा। बाबू तो चढ़ जा रहा है लग रहा है मेरे को। गौरीकुंड आगे रखा दे, गौरीकुंड भाई हमें तो वहाँ बोला था, गौरीकुंड तो बोला था। यहाँ सब मुड़ गए हैं कुंड की तरफ, गर्म पानी का कुंड है वहाँ पे, बढ़िया से हाथ पांव धो के चलेंगे आगे। पानी बहुत सही आ रहा है, यहाँ पे पानी ठंडा है, एक जगह गर्म पानी है। हाँ, गर्म पानी वहाँ पे जा रहे क्या? हाँ, वही तो कुंड है, और क्या है, अच्छा। इसे गौरी कुंड बोलते हैं, जब गर्म पानी निकलेगा खुलता हुआ। हाँ, राम राम लाडू, गर्म पानी निकलता है भाई। हाँ भाई, हम आ गए भागीरथी नदी के पास, गर्म पानी हम सोच रहे हैं नहा लें, तो पानी इतना ठंडा है ना, तो
गाइस ऐसा है नहाना करते कैंसल ऊपर नहीं है। इसके सर छींटे मार लेंगे सर पे, सही रहेगा फिर। ये छींटा मार लो हल्का। हां अभी तो हम आधा 500 मीटर चढ़े हैं और इतनी 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 खड़ी फोटो इतनी घड़ी चढ़ाई है बिल्कुल ही, मतलब वैष्णो देवी में भैरव बाबा की खड़ाई है चढ़ाई है उससे भी ज़्यादा हैवी, बस घड़ी चढ़ाई है एकदम। थोड़ा सा डाउन डाउन आया है ट्रैक में, थोड़ा सा हम डाउन आए और फिर ऊपर चढ़ने लगेंगे हम दोबारा से। पानी भर लो ना, चढ़ रहे हैं बस गड़े हुए बिल्कुल ट्रैक पे। वाह वाह बिल्कुल, एक तो रास्ता छोटा है ऊपर से घोड़े और पालकी वाले सब यहीं से जाते हैं, उसके बाद पत्थर देखो एकदम। हाँ अभी तो और भी चढ़ाई है, 5 मिनट के रेस्ट लिया है लड़कों ने। अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है। नवीन जी लाए हैं चने और थोड़ी सी दो चॉकलेट है, चॉकलेट मस्त खिला दिया भाई। ये घोड़ो इन्होंने बड़ा, ये नहीं चढ़ने देंगे हमें, मत्थे पे आ जाते, कोई रूट ही नहीं है। चलो भाई चलो, डंडे मुंडे ले लिए लड़कों ने, घोड़ा वोड़े से नहीं जाते हम। कमर में बांध लो ना सीधे सिंपल ना। अच्छा नहीं व्यू, अरे तो नवीन जी ने रख रखा है खाने को भाई। घोड़ा बहुत खतरनाक है, घोड़े से तो भगवान ही बचाए और क्या भाई, घोड़ा बड़ा गंदा गिरा है। चूते फिसल रहे हैं तो भाई साहब 10 किलोमीटर ही चला है, धुआं निकल गया हमारा 3 घंटों में। धुआं निकल गया बिल्कुल ही, चमक कहाँ है मेरे पे। थक गए नवीन जी बहुत ज्यादा। नहीं बस भोले बाबा की जय। थक चुके हैं भाई नवीन जी तुम। नहीं मानने को तैयार नहीं है बोले, मानने को। ये क्या कर रहे हो? दारा एजेंसी। दारा एजेंसी से सीधा आगे वो है बी3 स्मॉल, वो पड़ेगा वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल से आगे आलू का पराठे बन गए जिससे मैं पूरा मुरथल के मुरथल से आना पड़ेगा भाई, पराठे खा रहे मुरथल में। अरे तू यार वाटरफॉल से सीधा आ जा यार, थोड़ा सा सीधा कैसे आएगा भाई, गिर गया गया तो जैसे रास्ता आ रहा है ऐसे अंदर। और 5 कदम पर उतर रहा है कौन, वो नीरज भैया, वो भैया वगैरह, प्रमोद भैया वगैरह के लोकेशन पर आएगा जिस हुई है तेज। चलो हम लोग प्रमोद गुरु यहाँ का नेचुरल व्यू देखिए, चंद्रमा कितनी पास दिखाई दे रहा है और हम सारे अभी पराठे खाए हैं, हम चल रहे हैं अभी पास पास और ये खा रहे हैं आम और हमने खाए पराठे पर हमने खाई है गुठली। दो लोगों को आई है, एक भाई देखो भाई, दो लोगों को आई है। अच्छा ऐसा बताना था, पानी बड़ा चल रहा धार में, ठंड बहुत है भाई, 5 बजे पहुंच जाएंगे भाई, ठंडा बहुत हो रहा है। ऐसा बहुत रास्ता है, ये है पूरा सब ऊपर, जहाँ जहाँ लाइटें दिख रही है सब रास्ता, वहाँ तक जाना है बहुत दूर और भी आगे। बात पे जय बाबा की, जय बाबा की भाइयों, चीता ही है। क्या 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 चीज है पहले ही बन रास्ता था, तो ये वाला
यही सा आपदा आई थी तेज। ग्यारह बजे तक हम अभी थोड़ा सा आधे से ज्यादा पहुंच पाए, थोड़ा पानी की आवाज होती है यार। अब भी काफी चढ़ाई रह गई है, अभी तकरीबन 7 किलोमीटर रह गया है और मंदिर काफी सांस फूल रहा है, खड़ी चढ़ाई है। चलो भाई, ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट में ही तो मजा है भाई। ये थोड़ा खतरनाक है लेकिन है बहुत शॉर्ट। रो अगर वो पंटर मिल गया तो आ गए। आ जा आ जा। तो पंटर कहाँ है? पता कौन कौन से गए होंगे ना। और रास्ता पास हो गया हमारे को 500। एक घंटा कम सूरज 5 ही तो बताया मैंने, ये तो 7 बता रहा, 6:30 तो 5 और 6:30। अरे वो एग्जैक्टली थोड़ी बता पाएंगे, अभी सुबह के 7 बज रहे। हमने कैंप लिया था एक, उसमें सो गए रात को 2:30 बजे तक चढ़ाई करी हमने, हालत खराब हो गई फिर सो गए। अब कैंप पे अभी सो रहे हम सारे बंदे, 7 मजे है लेकिन ठंड बहुत है बाहर, हवा अभी भी। मंदिर 4 किलोमीटर दूर है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। कैंप है, बंदे सो रहे हैं बेचारे हमारे। अब बाहर की हवा देखो कितनी तेज चल रही है, अभी बंदे बेचारे सो रहे हैं थक गए। बाहर का व्यू देखना भी, वैसे कैंप सही है ठंड से तो बचा ही रहा है। हमने से 100 रुपये पर पर्सन दे के रेंट पे लिया है और बाकी यही है, रुक सकते हैं आप कितनी देर भी। उसके बाद यहाँ से मंदिर 4 किलोमीटर दूर रह गया बस। अब व्यू देखो बाहर का, चार किलोमीटर पहले का व्यू तो मजा बहुत बढ़िया लग रहा है। ये रूट जा रहा है ये वाला सीधे आगे, अभी भी समझ लो कि 4 किलोमीटर दूर, इसका मतलब समझ लो कि 2 घंटे की दूरी। और ये देखो बर्फ के पहाड़, वाह एकदम बढ़िया लग रहे। हेलीकॉप्टर ही से जा रहे हैं इतने सारे, यहाँ से सारे कैंप में सो ही जा रहे हैं बंदे भी। तो कैंप वैसे सही है रूम से ज़्यादा, नॉर्मली ठंडी इसमें कम लगती है और ऊपर से अब यहाँ पे तो रूम तो महंगे ही हैं, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। पर ठंड हल्की हल्की लग रही है, इतनी भी नहीं लग रही लेकिन है ठंड तो है। ये एकदम फ्रेश ग्लेशियर है और यही पिघल रहा है यहाँ पे। इस पानी को अभी भी कोई हाथ लगा रहा था उसका हाथ जम गया, इतना ठंडा पानी है, प्योर ग्लेशियर है बिल्कुल। बहुत सारा तो दिल्ली से है, दिल्ली में 50 डिग्री था। हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं यहाँ पे एक के बाद एक, काफ़ी बढ़िया सेवा है। हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हैं आराम से, हेलीकॉप्टर भी देखना आप कितने नीचे से जाएगा यहाँ पे। ये आ रहा है अभी, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है सामने से, वो आ रहा आया ना, ये देखो ये सेवा है। 3600 रुपये है पर पहले ही बुक करनी पड़ती है। एकदम सीधे वहां से अभी मुड़ेगा इधर की साइड, इधर की साइड ही है मेरे ख्याल से आगे, क्योंकि अभी भी 4 किलोमीटर ऐसा लग रहा है तो मतलब 2 घंटे में पहुंचे हम, बहुत दूर है। ये पुराना रास्ता था यहाँ से, ये वैसे तो मेन रास्ता ये है पर वहाँ घोड़े वोड़े ज़्यादा हैं तो लोग यहाँ से जा रहे हैं इस साइड में से होके। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये सामने ये
ये चढ़ा रास्ता ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे ये चढ़ के ऊपर यहाँ पहुँचता है। ओ भाई ये रहा पहाड़ का रास्ता, हम लोग शॉर्टकट रास्ता लेते हुए निकल रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ चैनल ब्लॉगिंग का। रास्ता देखो भाई साहब, भाई साहब शॉर्टकट के लिए निकल चुके हैं बिल्कुल। बस पत्थर रास्ते पे है, बंदे आ रहे हैं, यहाँ तक चढ़ जाएंगे पूरा ऊपर। भाई एकदम खतरों के खिलाड़ी हो रहे लड़के हमारे, देखो। अरे भाई ये तो चढ़ जाएंगे, लाइव रिपोर्टिंग एकदम ग्राउंड से भाई। बड़ा बिल्कुल है भाई, बिल्कुल खड़ी है देखो। भाई एकदम लाइव रिपोर्टिंग चल रही है। यही बादाम बादाम के पेड़ मिल रहे हैं, सब खा पी के चल लो। रोहित भाई कह रहे हैं बादाम के पेड़ सब चीज यही मिल रही है, अंजीर वंजीर जो भी खाना है सब मिलेगा। बाय सब। भाई वहाँ मत जाओ, खतरा है भाई, वहाँ मत जाओ बिल्कुल भी भाई। ये बिल्कुल कहाँ तुम खड़े हो गए कोने पे बिल्कुल ही, वो खाई है तो भाई क्यों रिस्क ले रहे हो, मत करो ऐसा कुछ। अरे भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है बिल्कुल। भाई गाय देखा, गाय गाय देखो कहाँ चढ़ रही है, यहाँ लग रहा चीटी चल रही है, घास चढ़ती भी जा रही है। रोहित भाई बिल्कुल सोच रहे हैं कि कैसे चढ़ूंगा। रोहित भाई थोड़ा दुखी है, मैं गलती कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं सकते हम। बादलों में देखो धुआं कैसे हो रहा है। अब है ग्राउंड रिपोर्टिंग बिल्कुल बिल्कुल मस्त, फुल एंजॉय भाई। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई, सोच रहा था। अब हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं भाई साहब, ये रास्ते से यहाँ पे थे, ये है ना, ये यहाँ पे देख इतनी दूर, वो सामने आपको दिख रहा होगा एक डीली सी और कैंप लगे हुए, हम यहाँ छोड़ के आए हैं इस रास्ते से पूरा। ओ भाई ये मेन रास्ता है इधर की साइड, ये शॉर्टकट है भाई, जान निकाल दी। कितना एरिया लेकिन पहाड़ बहुत कवर हो गया। ये देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम अंकल जी से पूछने जा रहे हैं क्या खाते हैं, इसकी वजह से इतने बंदे को उठा लेते हैं। ये रोकना ओकना भी पड़ता है क्या बीच में, या सीधे ले जाते हो?
जब नीचे तक ले जाते हो तो रुकते हो या सीधे ही? अरे एक बार थकन तो मानना पड़ेगा, हाँ खाना पड़ेगा, खाया पानी खाना पड़ेगा, अच्छा तो चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अच्छा मतलब रास्ते में दो बार रुकते बस थकेंगे, प्यास लगेगी, पानी चाय पीनी होगी वहाँ। हमारे बस की नहीं है भाई इतना, इतना सा बैग लेके जा रहे हैं हम, ये भारी लग रहा है आप बैठ बैठ की ज्ञान भारी होता है ना, बैठ बैठ के हमारा काम खेल खराब हो गया, बैठ बैठ के ज्ञान भारी होते हैं, पसीना नहीं निकाल लेना आप किना चलो किना अंदर को मशीन खड़ा होते हैं, हाँ बैठ बैठ के अंदर खुल जाएगा तब तक चलेगा, तो समस्या तो थोड़ी करनी पड़ेगा, कंट्रोल आ जाएगी सांस के में, तब तक गाड़ी पर जब गाड़ी पे डीजल भरेगा तो आएगी खाली गाड़ी थोड़ी चलेगी उधर, ये आदमी हमें बोल के ले आया भाई थोड़ा सा आगे 19-20 का फर्क बोलना पड़ता है ना, हाँ बोलना तो पड़ता है, 1900 का फर्क दिखा दिया हमने, बोलना तो पड़ता पड़ता है, नहीं तो फिर कहाँ देते हैं बैठ जाते हैं, पहले का रास्ता था उधर वाला, उधर वाला 16 किलोमीटर था, इधर 22 किलोमीटर है, बस बड़ा क्यों कर दिया ये, पहले कम था, हाँ पहले कम था, ये भी तो खाते हो गए कुछ का देसी घी मार रहे हो, ये क्या खाएगा, झूठ बोल रहे हो, मैं बता रहे दाल चावल, दाल चावल तो आप खा रहे हो, वही बात है दाल ही ताल कर रहे पिए जा रहे प्रोटीन के चक्कर में, चावल भी नहीं खा रहे हम तो, चले बाद चलो 22 किलोमीटर बता रहे ना, वो कह रहे 16 किलोमीटर थी वो, थी 16, ये 22 है, पहला का रास्ता था ना पार का रास्ता, आप जब आपदा आई थी तुम कहाँ थे, तो यू पार का जब 2013 में, हम तो नेपाल में था, बूट के ये घोड़ा कैंप है, यहीं तक घोड़े रहते हैं सिर्फ, नहीं जाने के मैंने आपको 1 किलोमीटर की खुद चढ़ाई करनी है, अब आप चाहे अब जो ये भी ना चढ़ पाए तो फिर बेकार ही है, बस पहुंच गए, दिखने लगे चोटी दिखने लगी है मंदिर की, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर की चोटी, चलो पहुंच ही गए, क्या बाबा की हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और नहा धो के हो चुके हैं तैयार, अब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे हम लोग, वो तो बताओ बहुत मजा आएगा, आंटी ने क्या करा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंटी मंदिर में जाने के लिए टाइम लगेगा ना रोहित भाई, या अभी मंदिर बंद है, 1:30 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, उसके बाद बाकी नहा धो लिए, 100 रुपए बाल्टी मिली यहाँ पे, गर्म मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है भाई, सब लग रहा है बारिश भी आ सकती है एकदम सही, बारिश आने वाली है और क्या, आगे जाने लगे।
अरे बोतल दे तो जब वो जल्दी से करने गए थे याद है नमो नमो जी सबसे जब दो तीन बार कितना पीछे बैठ गया वो भी वीआईपी था गुड मॉर्निंग गाइस अब हम लोग दर्शन के लिए निकल चुके हैं बस सीधे रात को पहुंचे थे कल सुबह पहुंचे हम यहाँ पे लेकिन ये है कि जल अभिषेक करना था हमें तो इसलिए हम थोड़े देर रुके जल अभिषेक जो है वो सुबह सुबह होता है इसलिए हम रुक के अब दर्शन करने जा रहे हैं यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया है बारिश हो रही है रात को लगातार बारिश हो रही है रुक जाए कभी भी मौसम बदल जाता है हाँ सब तैयार हो गए यही भाई पानी में ये लंडे अपने चाय नाश्ता खाना पीना ओम नमः शिवाय गाइस हमने प्रसाद ले लिया है प्रसाद क्या क्या रेट लगा क्या क्या लगवाया तुमने प्रसाद में सही है बहुत बढ़िया अब हम जा रहे हैं पहाड़ों की ऊंचाई में कोहरा ही कोहरा चलो अब अंदर हम चाह रहे हैं दर्शन करने गाइस हमने दर्शन कर लिए और हम बाहर आ गए अब पंडित जी ने हमारे दर्शन कराए मुंबई से पंडित जी आओ चलो जी बहुत खुश हो रहे हैं बंदे दर्शन करके आ गए खुशी खुशी का गाना खुशी का गाना जरा अरे हर महादेव